आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी से मिल रहे समन पर एतराज जताया है। पार्टी ने जानकारी दी कि केजरीवाल समन पर पेश नहीं होंगे क्योंकि अदालत उन्हें जमानत दे चुकी है। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी केजरीवाल को 9 समन दे चुकी है। अब दिल्ली जल बोर्ड के मामले में भी समन भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। आज पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे क्योंकि कोर्ट उन्हें जमानत दे चुकी है। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए, कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई, तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ईडी का बार बार समन भेजना बीजेपी की बौखलाहट दर्शाती है। मकसद अगर इन्वेस्टिगेशन होता, सच फाइंड आउट करना होता, तो अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कर ले ईडी सवाल जवाब, वो भी नहीं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट खुद गया है कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिस मामले में कल अरविंद जी को बेल मिल गई। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से वही रुख अपनाते हुए कहा गया है कि ये समन गैर कानूनी है क्योंकि सामने चुनाव है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईडी के पीछे रह करके चुनाव लड़ना चाहती है। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली के सीएम जांच से भाग रहे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। वीरेंद्र जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जल बोर्ड कथित घोटाले के मामले में समन भेजा गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। दिल्ली का कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लूटना मचाई, तो इस तरह के समन तो उनको आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि आपने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है। अब अरविंद केजरीवाल के पास सम्मान तो बचा नहीं है, दिल्ली की नजरों में मात्र सम्मान बचे, कम से कम उनका सम्मान करें। आम आदमी पार्टी ईडी के सम्मान को गैर कानूनी बता रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब उनको जांच एजेंसी के सम्मान का सम्मान करना चाहिए। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल, अगर आप ईमानदार हैं तो जांच में सहयोग कीजिए। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हर अपराधी अपने आप को निर्दोष बताता है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, आपने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, दिल्ली के हर विभाग में घोटाला किया, तो जवाब भी आपको ही देना है।